शैली ओबरॉय बनी दिल्ली की नई मेयर। जीत के बाद क्या बोली शैली ओबरॉय? चुनाव हुआ मेयर का भी और डिप्टी मेयर का भी, और अब मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ मेयर की शपथ लेने के बाद कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी और मुझ पर भरोसा जताया, और मैं पूरी उनको आश्वासन देती हूँ कि मैं आने वाले समय में अपनी इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगी, और जो दिल्ली की जनता को सपना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया उस सपने को मिलजुल कर हम सब पूरा करेंगे। जी देखिए, हमारी जो 10 गारंटी है जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी, हम उन 10 गारंटियों पे काम करेंगे, और अगले 2-3-4 दिनों में ही हम जो कूड़े के पहाड़ है उन पर भी इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द हमारी जो कार्रवाई है वो, हालांकि जितने भी हमारे पार्षद हैं उन्होंने अपने वार्ड में जो अभी से शपथ लेने से पहले से ही अपना कार्य शुरू कर दिया था, बट अब ऑफिशियल तरीके से हमारी जो भी हमारे कामकाज है नगर निगम के, हम उनको शुरुआत करेंगे और पूरा करेंगे। चुनाव में जीत तो होगी, लेकिन संख्या बल को लेकर जो दावा था कि 51 वोट हमारे साथ है, 150 जितनी आपकी संख्या थी उतनी आपको वोट मिले उसने, लेकिन बीजेपी को उनकी संख्या से ज्यादा वोट मिले, तो आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है? जी देखिए, स्टैंप ऊपर नीचे हो गई थी और उसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी वोटिंग में। देखिए, तब तो मैं नहीं थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो सत्या शर्मा जी थी, तो हकीकत क्या है वही जानती हैं। तो डिप्टी मेयर के चुनाव में मैंने देखा कि इनवैलिड वोटिंग हुई थी, स्टैंप ऊपर नीचे लग गई थी। नहीं, लेकिन मेयर के चुनाव में निर्दलियों ने क्रॉस वोटिंग की, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ पार्षद? अभी इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी, आई एम सो सॉरी। स्टैंडिंग कमेटी को लेकर क्या कुछ आंकलन है? जी देखिए, अभी हम थोड़ी देर में हमने हाउस एडजर्न किया है, अभी हम थोड़ी देर में स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव करवाएंगे। बीजेपी की तरफ से आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि क्योंकि आप चेयर पे इस बार हैं तो कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटिंग है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, निष्पक्ष तरीके से वोटिंग होगी, और जैसे मैंने धन्यवाद अपनी स्पीच में बोला कि मैं पूरे संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से और डीएमसी एक्ट के हिसाब से सदन को चलाऊंगी, तो मैं अपने शब्दों पे कायम रहूंगी और सदन वैसे ही चलेगा। आधिकारिक मेयर चुने जाने के बाद क्या सीएम से बातचीत हुई? अभी तक नहीं हुई सर। जी जी जी, यहाँ से हम फ्री होके जाएंगे तो मिलेंगे सर। आप लोग को मिलने जाना है आज सीएम से? सभी जी, अभी देखते हैं। आप सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए।